राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्सों को जो हटाया गया है लोकसभा के रिकॉर्ड से, इनको हटाने के बाद समाजवादी पार्टी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने कहा है कि भाई राहुल ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। अगर कार्रवाई में अनुचित किसी शब्द का प्रयोग किया गया हो तो कार्रवाई का अंश नहीं बनना चाहिए, लेकिन हमारे समय से, हम पार्टी की बात नहीं कर रहा, जो मेरी राय है उसमें कुछ भी उन्होंने अनुचित कहने का काम नहीं किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हिंदुओं के लिए कहा कि जो भाजपा के जो सामने हिंदू भाजपा के बैठे, यही पोर्शन हटाया गया है। हाँ, यही पोर्शन उठाया गया है कि ये सामने जो भाजपा के हिंदू बैठे हुए हैं हिंसक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सहारनपुर से खबर, जहां पर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने राहुल गांधी के भाषण का हिस्सा हटाए जाने को गलत करार दिया है। पार्लियामेंट के अंदर से कोई संसदीय भाषण का इस्तेमाल हुआ हो या संसदीय शब्द हो तो उसको निकालने का प्रावधान है, लेकिन इस प्रकार से अगर कर रहे हैं तो, लेकिन पूरे देश ने देखा है, लाइव चल रहा था तो कहां से निकाल देंगे, अब तो लाइव चल गया, लोगों ने देख लिया। लेकिन संसदीय प्रक्रिया है, उन्होंने हटा दिया, एक्सपंज कर दिया है बाकायदा, वो मार्क करके है, तो इस कार्रवाई को क्या आप सही मानते हैं? 7-8 पॉइंट हैं। मैंने आपको कहा ना कि असंसदीय भाषा का अगर इस्तेमाल हुआ हो या कोई असंसदीय लफ्ज़ बोले गए हों उनको निकालने का प्रावधान है और उन्हीं को निकाला जाता है। मुझे नहीं पता ये क्या हो। वहीं लोकसभा में बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के विरोध में 115 के तहत नोटिस पेश किया है। इस दौरान बांसुरी स्वराज ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल अपने भाषण में कई गलत बयान दिए। बांसुरी स्वराज जी, आपका नोटिस मिला है मुझे 115। आदरणीय अध्यक्ष जी, कल माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अपनी स्पीच में कई इनएक्यूरेट स्टेटमेंट्स करी हैं। इसके तहत मैंने आपके समक्ष डायरेक्शन 115 में एक नोटिस प्रस्तुत करा है। आपसे अनुरोध है कि इसका कृपया संज्ञान लीजिए। और आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। हिंदू और सनातन कभी हिंसक नहीं हो सकते, उन्होंने कहा है। सुनिए और कुछ क्या कह रहे हैं। सर, राहुल गांधी ने जिस तरह से कल लोकसभा में कहा कि हिंदू नफरत की बात करता है, हिंसा की बात करता है, उसके इस बयान पर लगातार विवाद हो गया। हिंदू और सनातन कभी नफरत की बात नहीं करता। अतः देवो भव की अवधारणा ये सनातन की है, वसुंधैव कुटुंबक की अवधारणा ये सनातन और हिंदू की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की अवधारणा ये सनातन और हिंदू की है। हिंदू ने सबको, सनातन ने स्वीकार किया। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत आई, मुगल से आए, यहाँ पारसी भी दूसरे देश से आए, और आप देख रहे हैं कि सबका यहाँ समावेश हुआ है और सब ने इस देश में रहकर और सर्वाइव किया है। हिंदू सनातन चाहते हैं तो कभी नफरत की बात नहीं करते हैं, वो तो जोड़ने की बात करते हैं, और उनका ये बयान भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म और सनातन और सनातन की अवधारणा का अपमान है। लेकिन सर, कांग्रेस कह रही है कि हम तो बीजेपी आरएसएस की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो अब वो बहानेबाजी कर रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन प्रकाश होता के साथ पवन गौड़, नवगेट टीम, दिल्ली। और आगे बढ़ते आपको बताते हैं, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, बाबा साहेब ने धर्म निरपेक्षता के आधार पर संविधान बनाया, संविधान में सभी धर्मों का सम्मान सुनिश्चित किया गया, सभी धर्मों के प्रति सत्ता और विपक्ष को गंभीर होने की जरूरत है, नेता विपक्ष के बयान का एनडीए राजनीतिक फायदा उठाने में लग गई है, कांग्रेस द्वारा ऐसा मौका दिया जाना कितना उचित है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में जवाब देंगे। इस पर आपको जानकारी दे देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम के 4 बजे लोकसभा में अपनी बात रखेंगे। इस दौरान पीएम मोदी राहुल गांधी के कल संसद में दिए गए बयान पर निशाना साध सकते हैं। संसद की कार्यवाही के दौरान आज भी जमकर हंगामा होने के पूरे आसार हैं। शाम 4 बजे पीएम को सुनना बहुत दिलचस्प हो जाता है, किस तरह से राहुल गांधी के सवालों के जवाब देते हैं और जो बड़ी बात उन्होंने पार्टी के लिए कही है उनकी, उस पर क्या बोलते हैं पीएम मोदी, सुनना बहुत जरूरी होगा।
सोर्सेज के हवाले से बड़ी जानकारी है ये कि दिल्ली में एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। सोर्सेज के मुताबिक जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री ने एनडीए संसदीय दल की जो आज बैठक हुई है उसे संबोधित करते हुए गांधी परिवार ये सहन नहीं कर पा रहा है कि उनके परिवार के बाहर कोई प्रधानमंत्री फिर कैसे बन सकता है, ये बात कही गई है। इसलिए अब उनके व्यवहार में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एक चाय वाला तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया ये बात भी गांधी परिवार पचा ही नहीं पा रहा है। पीएम ने कहा है कि गांधी परिवार ने सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया और हमेशा देश के सभी प्रधानमंत्री को सम्मान दिया, इसलिए उन्हें पीएम म्यूजियम जाना चाहिए। सरकार बनने के बाद पहली बार एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई है जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनका सभी सांसदों ने खड़े होकर स्वागत किया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मोदी का अभिनंदन किया गया है, माला पहनाकर पीएम मोदी का स्वागत किया गया है। बैठक में खास तौर पर संसद सत्र को लेकर चर्चा की गई है। बैठक संसद भवन परिसर में पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में हुई है जिसमें भाग लेने के लिए एनडीए के घटक दलों के सभी सांसद मौजूद थे। आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें एनडीए के साथियों के साथ सारे एमपीज को शेयर किया है और जो गाइड किया है, हम लोगों को एक मंत्र दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक एमपी सदन में देश सेवा के लिए आए हैं,